वही केंद्रीय अंतरिम बजट पर बीजेपी नेताओं ने इसे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बढ़ाने वाला बताया है। उनका कहना है कि इस बजट से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल रही है। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने बीजेपी नेताओं से खास बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया और बजट को लेकर किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, कितना खास रहेगा, क्या रहेगा, इसको लेकर हम भाजपा के तमाम नेता हमारे साथ हैं, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अशोक बजाज जी से चर्चा करते हैं। ये बजट है, उसे आपकी नजर में किस तरह से देखते हैं, कितना खास रहेगा? बहुत ही सराहनीय बजट है और सोच समझ कर लाया गया है नए भारत के निर्माण के लिए, और 2047 तक विकसित भारत का स्वरूप देना है इस नए भारत को। इस सोच के लाया गया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए राहत के बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं और परंपरागत ऊर्जा को बचाकर सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए जो प्रावधान रखा गया है ये बहुत ही सराहनीय है। अभी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए सौर ऊर्जा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, साथ ही साथ हमारे साथ तौकीर रजा जी भी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे खास करके ये बजट में आपके नज़र में क्या विशेष प्रावधान किए गए। देखिए, इस बजट में अभी सबसे अच्छा एक काम किया गया है कि जो रेल मार्ग है उसको समुद्र मार्ग से जोड़ा जा रहा है, तो जो मार्गों को जो विकसित करने का सबसे बड़ा योगदान माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और विश्व की पटल में विश्व के क्वालिटी के बराबर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर देखिए, आपने 40,000 जो जनरल बोगियाँ हैं उसको वंदे भारत जो हमारी जो सबसे अच्छी ट्रेनें कहलाती हैं, सबसे अच्छी बोगियाँ कहलाती हैं, उसके अनुरूप उसको बनाया जा रहा है ताकि सामान्य जनता को भी वो सुविधा का लाभ उनको मिल सके। हम आपसे जानना चाहेंगे खास करके किसानों को लेकर इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। यह बजट किसानों के दृष्टिकोण से बहुत ही खुशहाली वाला बजट है। देखिए, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जो किसानों को सम्मान निधि के रूप में जो पैसे मिलते रहे हैं, जो देश के लगभग 11.8 करोड़ किसानों को मिलते रहा है, उसको एक बार इस सरकार ने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। उसके अलावा खाद की जो सब्सिडी किसानों को डीपी यूरिया मिलते रही है उसको भी एक बार फिर से कंटिन्यू किया, उसमें कोई कटौती नहीं की गई, बल्कि जो आवश्यकता अनुसार बढ़ोतरी है वह भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा जो किसान है उनको कैश क्रॉप की तरफ कैसे लिया जाए, देश में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाने के लिए नए कार्य स्कीम बनाए गए हैं। किसान जब एक बार फिर से दलहन और तिलहन की खेती की तरफ प्रोत्साहित होंगे तो कैश क्रॉप मिलेगा और किसानों की जो आर्थिक स्थिति उसमें काफी सुधार आएगा। तो कुल मिलाकर के इस बजट को देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी बजट है। और जो टेक्नोलॉजी के मामले में जिस ढंग से पहले केंद्र की सरकार ने नैनो यूरिया लाया, अब ये नैनो डीएपी भी लाने का काम चलेगा, जिससे किसान नए टेक्नोलॉजी से खाद का प्रयोग करेंगे। तो एक तरफ जहां पर हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ जो किसानों की जो जरूरत है उसकी पूर्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैविक कृषि की तरफ भी किसान जाएं, इसके लिए नई योजना ला करके किसानों को एक बार फिर से जैविक कृषि की तरफ ले जाने की मुहिम जो है चलाने की योजना इस सरकार ने बनाई है, जो किसानों के लिए और इस देश के लिए बहुत लाभकारी होगा। निश्चित रूप से 1947 जो है 2047 है विकसित भारत स्वच्छ भारत होगा। ये सुना आपने कि किसान नेता, इनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के लिए बहुत कुछ प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ युवा साथी अमरजीत जी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में खास करके युवाओं के लिए बात करें तो क्या कुछ विशेष प्रावधान किए गए। देखिए, हर वर्ग को साधने वाला ये बजट है और सभी वर्गों को, इसमें चाहे युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे गरीब तबके की बात करें, हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान रखा गया है। हम बात करें अगर बिजली की, तो 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात इस बजट में रखी गई है। लखपति दीदी की बात करें तो जो पहले 1 करोड़ होता था वो 3 करोड़ तक अब पहुंच चुका है। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं इस बजट में साधने का प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि यह बजट अब तक का इस देश का सबसे अच्छा बजट है और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम और मिलेंगे और भारत देश जो एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, इससे हर वर्ग का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो स्वप्न है उस स्वप्न को साकार करने में आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे लगातार काम हो रहे हैं, चाहे आप युवाओं के विषय में बात कर लें, चाहे किसानों के विषय में बात कर लें, योजनाओं की का ये कहिए कि अंबार लग गया कि देश में एक नई क्रांति आ गई और योजनाओं के माध्यम से चाहे हमारी महिलाएं बहनें जो है उस
70% ऐसी महिलाएं बहने हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मालकिन बन गई हैं। लखपति दीदी के बारे में आपको पता ही है कि स्वयं सहायता समूह की जो बहने हमारी हैं उनको लगातार काम दिया जा रहा है, उनके स्किल का ख्याल रखा जा रहा है। युवाओं को आप देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, बड़ा काम हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा ऐसा एक माइलस्टोन साबित होगा कि आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, इस मंत्र को लेके ये बजट तैयार किया गया है और लोगों के वास्तविक आय में 50% तक वृद्धि हुई है और इसको आगे भी जारी रखा जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है और निश्चित रूप से इसका लाभ सबको मिलने वाला है। तो ये थे बीजेपी नेताओं की राय। इन्होंने साफ तौर पर सभी का कहना है कि इस बजट से आगामी समय में काफी कुछ लाभ मिलने वाला है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।